हेलो गाइस, दिस इज देव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जा रहा हूँ मैं छान में, जो हमारे गांव के जो लोग हैं वो 2-3 महीना या 3-4 महीना कह लो इतना स्टे करते हैं वहाँ पे। हमारे खेत हैं वहाँ पे और फिर हम जानवर वहीं ले जाके, मतलब 3-4 महीना वहीं स्टे करते हैं। आजकल फसल भी पक चुकी है, आप देख सकते हो, तो सीधे ले जाते हैं आपको वहीं और रास्ते के कुछ बढ़िया बढ़िया सीन दिखाते हैं। और मेरे साथ है मिस्टर मक्कू, सीधे चलते छान में। आप लोग देख सकते हैं आजकल काफ़ी अच्छा प्रकृति ने जो व्यू बनाया है यहाँ के, देख सकते हैं आप, हर तरफ हरियाली है। और जो आप फ्रंट पे देखेंगे वो हिमालय है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सीन है यहाँ से। और पहाड़ों में खासकर यही मज़ा है घूमने का, इस टाइम काफ़ी अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो। शाम के करीबन 5 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं धूप यहाँ पहुँच चुकी है। 1-2 घंटे में पूरी रात हो जाएगी। तो हमारे मक्कू भाई कह रहे हैं कि मेरे चैनल भी प्रमोट कर दो थोड़ा। मैंने कहा मैं क्या प्रमोट करूँगा जिसके खुद ही चैनल पे इतने व्यूज़ नहीं आते। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कितने सब्सक्राइबर हैं भाई आपके? 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर। व्यूज़ कितने आते? 10 करोड़ों आते हैं। तो दोस्तों, ये जो नदी दिख रहे होंगे आप, इस नदी का नाम है जरकुल नदी और हम लोगों का एक पानी का यही स्रोत है। मतलब जितने भी हमारे काम होते हैं, चाहे पितृमोक्ष के अलावा हो, चाहे सिंचाई से रिलेटेड हो, कोई भी काम हो, तो इसी से हम काम चलाते हैं। यही हमारे लिए नदी है, गंगा नदी जो भी है। और ये है हमारा छोटा सा मार्केट कौडा। अभी थोड़ा यहाँ पर कम आना जाना होता है, लेकिन पहले सबसे पुराने टाइम पे एक यही मार्केट हुआ करता था, पूरे लोग यहीं से पैदल जाया करते थे घोड़े खच्चरों से। और यहाँ पे देख रहे होंगे ये है हमारे गांव वालों की छान, तो कुछ छान इस साइड हैं और कुछ हमारे इस साइड होंगे जो जंगल से नहीं दिख पा रहा होगा। तो अभी सीधे चलते हैं वहीं। तो गाइस, गाँव से 500 मीटर आगे यहाँ पर एक रास्ता आता है जो कि सड़क आगे को साइड निकलती है बैंड मोड़ के, और हमें जाना होता है यहाँ से पैदल। रास्ता यहाँ का थोड़ा सा ख़राब है, एक्चुअली ये रास्ता आज तक बना नहीं। और अब हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं छान पे। तो पूरा बचपन जुड़ा हुआ मेरा यहाँ से। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे हम गाय वगैरह लेके आते थे और खेल कूद सब हमारा इसी साइड होता था। जंगलों की साइड हमारा रहना ज़्यादा होता है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने गांव की छान में और ये देख सकते हैं आप, एक तो ऊपर है और ये देखिए नीचे तक ये सभी हमारे गांव के हैं। और एक बालिका आ रही है नीचे से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो खेती धान वगैरह की कटाई वगैरह सब कुछ, तब तक हम यहीं रहते हैं, उसके बाद गांव जाते हैं जैसे ही सारा काम निपट जाता है।
और हमारे गांव के अक्सर दो तीन जगहों पे रहते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे हो गया, एक ऊपर साइड हो गया, और एक वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था कोडार के ऊपर। तो अब हम इस लड़की से जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है, बताओ। पहले नाम बता। तो हम पहुंच चुके हैं छान में, तो इस रास्ते जाएंगे कभी और, उस दिन का भी वीडियो बनेगा। हम जाएंगे यहाँ पे हमारे काम हैं, और देखते हैं हमारी चाची जी क्या कर रहे हैं। मैंने बोला ना मैं आऊंगा। क्या पानी लू ये मजे पर क्या लिख पानी क्या लिखने देखो नन्नी। हाँ हाँ एक में थोड़ी देर, छोटे छोटे बच्चों की मेहनत देखिए। चल क्या करना पैर क्या हाल है हेलो मिस्टर अंकी क्या हाल करना पानी की काफ़ी दिक्कतें होती थी, उसके बाद इन्होंने पाइप वगैरह की यहाँ से व्यवस्था कर रखी है, जिससे कि इनके लिए काफ़ी आसान हो गया है। और लवार्थ मंडार तो आपको मालूम होगा, जिसको मालूम नहीं उनको बता दूँ, लवार्थ बोले तो कटिंग को बोलते हैं, मंडार्थ बोले तो इसको छन छुन के साफ करके सुखा देते हैं, घास काम आती है। और अब हम जा रहे हैं हिमांशु के, ये तो मेरे को दिख चुके हैं। हाय क्या खाना खा ले भाई क्यों रहते शर्मा क्यों पे भी इन्होंने खीरा वगैरह की व्यवस्था कर रखी है अपने लिए, आप देख सकते हो। और ये है गाइस यहाँ का मेन धारा, देखो